भारत के वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला आपदा अस्पताल का निर्माण किया है। प्रोजेक्ट भीष्म के तहत तैयार किया गया यह अस्पताल पूरी तरह से स्वदेशी है। इस आपदा अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर से लेकर एक्सरे और रक्त नमूनों की जांच के लिए प्रयोगशाला और वेंटिलेटर तक मौजूद है। प्रोजेक्ट भीष्म के तहत तैयार किए गए आपदा अस्पताल में किसी भी इमरजेंसी की स्थिति में लोगों को इलाज देने में मदद मिलेगी। कहीं भी आपदा होने पर इस अस्पताल को सिर्फ 8 मिनट में तैयार कर मरीजों का इलाज शुरू कर दिया जाएगा। इसके लिए एक टास्क फोर्स तैयार की गई है जो अस्पताल तैयार करने से लेकर मरीजों को इलाज मुहैया कराने तक की सभी जिम्मेदारियां निभाएगी। बता दें कि पीएम मोदी ने पिछले साल भीष्म प्रोजेक्ट की घोषणा की थी, जिसके बाद रक्षा मंत्रालय ने भीष्म टास्क फोर्स तैयार की है। बता दें कि आपदा अस्पताल का नाम आरोग्य मैत्री रखा गया है और इसके बॉक्स को आरोग्य मैत्री क्लब नाम दिया गया है। इस अस्पताल की खासियत ये है कि इसको कभी भी इमरजेंसी वाली जगह पर ले जाया जा सकता है। इसमें इलाज के लिए हर सुविधा उपलब्ध है। एक्सरे से लेकर ब्लड सैंपलिंग तक के लिए इधर उधर भागने की जरूरत नहीं होगी। भारतीय वैज्ञानिकों ने इसको इस तरीके से बनाया है कि 720 किलो के एक बॉक्स में पूरा अस्पताल मौजूद है। हेलीकॉप्टर से नीचे गिरने या पानी से भी इस पर कोई असर नहीं होगा। आपदा अस्पताल की विशेषताओं की बात करें तो उसमें सभी जरूरी उपकरण मौजूद हैं। इसमें एक्सरे, ब्लड सैंपलिंग, ऑपरेशन थिएटर, वेंटिलेटर और लेबोरेटरी तक की सुविधा है। ये अपनी तरह का पहला इमरजेंसी हॉस्पिटल है। इसकी एक खास बात और है, ये पूरा अस्पताल सोलर एनर्जी और बैटरी से चलता है। इस अस्पताल को बनाने में करीब 1.5 करोड़ रुपए का खर्च आया है। दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करने के मकसद से भी इसका निर्माण किया गया है। 3 देशों को इसे निःशुल्क दिया जाएगा। सरकार जल्द ही इसकी घोषणा करेगी। आपदा अस्पताल के कंटेनर में क्या क्या मौजूद है, एक आम इंसान भी देख सकेगा। बॉक्स पर लगे QR कोड को गन कैमरा की मदद से खोला जाएगा। बॉक्स में क्या क्या है और इसे कब तैयार किया गया है, इसका भी पता चलेगा। अगर कोई आपदा आती है तो डॉक्टर के पहुंचने से पहले एक आम आदमी भी कंटेनर को खोलकर उपचार ले सकता है। कंटेनर में लोहे के 3 फ्रेम हैं। हर फ्रेम में 12 छोटे छोटे बॉक्स हैं। कुल 36 बॉक्स में सारे उपकरण रखे गए हैं। इसमें दवाइयों के अलावा खाने पीने की चीजें भी शामिल हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।